सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर नोटिस जारी किया। नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं। 23 जून को नीट की दोबारा परीक्षा होगी। एनटीए का कहना है 23 जून को दोबारा परीक्षा के बाद काउंसलिंग की जाएगी। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र ही दोबारा परीक्षा देंगे। दोबारा परीक्षा का रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। नीट मामले पर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। ने खुद माननीय कोर्ट के अंदर और खुद एनटीए के डायरेक्टर साहब भी आज पहुंच गए थे, तो उन्होंने आज ये चीज मानी वहां पे कि ये जो ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसको रिवर्ट कर रहे हैं। उन बच्चों के या तो री एग्जाम होंगे 23 तारीख को जो देना चाहता है, जो बच्चा नहीं देना चाहेगा उन 1563 में से उसके जो ओरिजिनल नंबर है वो रहेंगे, इसके बाद फिर से एक नई रैंक बनेगी, उस पर काउंसलिंग होगी। मेरा पहला पॉइंट इस पे सबसे बड़ा ये है कि एनटीए ने ग्रेस नंबर देके खुद नहीं बताया था, हमने पकड़ा था 707, मैं यही वर्ड यूज करूंगा, पकड़ा था, खुद से नहीं बताया है। तो क्या एनटीए इस तरह की और भी बहुत सी चीजें कर रहा है जिसके बारे में पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है? दूसरी बात, सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्यों मिली ग्रेस मार्क्स की और उन्हीं को अब क्यों री एग्जाम मिल रहा है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंच गए पेपर के बाद? बहुत सा बच्चा गांव देहात का है, शहर का भी है, जिसको नहीं पता पेपर लिखने के बाद मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना होता है, तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन दिखता है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो केस है वो अभी भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ऑन रहेगा, वो चलता रहेगा। पर हाँ, मान लेते हैं काउंसलिंग हो जाती है, एडमिशन हो भी जाता है, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि वी हैव ऑल द पार्ट्स, अंत में अगर कुछ प्रूफ होता है तो हमारे पास सारी शक्तियां हैं। अलग सबसे बड़ी बात है कि कुछ सेंटर जिसमें आपने भी जिक्र किया कि वहां पर बच्चों को एक ही मार्क मिला, आपको नहीं लगता है कि एनटीए इतना प्रेशर के बाद और जिस तरह से तमाम छात्र सड़कों पर आए उसके बाद उसको लगा कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मीटिंग कर लिया और हमने ये तय कर लिया? बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि जब इतना शोर मचता है, सारे बच्चे अपना काम काज छोड़ के सड़क पे आते हैं, हम लोग अपना काम काज छोड़ के यहाँ कोर्ट में घूम रहे होते हैं, तब जाके एनटीए कोर्ट में आके फाइनली एनटीए के डायरेक्टर साहब भी कोर्ट में आए, तब उनको लगता है अच्छा ये बहुत सीरियस बात है, इस पे बात करनी होगी और इसको हम तुरंत कैंसिल कर देते हैं। आज वो तुरंत मान गए कि आज आते ही वो मान गए कि 1563 जो है इसको कैंसिल करते हैं री एग्जाम। पर ऐसी कितनी चीजें आपने और कर रखी है जो पब्लिक डोमेन में है ही नहीं आज तक। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज पहले ही दिन आके उन्होंने एग्री कर लिया है, तो आई थिंक और सारी डिस्पेरेंसीज निकल सकती है। कमेटी की डिमांड अभी भी मेरी रहेगी, वो जारी रहेगी। एनटीए में एनटीए से जिस तरह की लड़ाई है क्या जारी रहेगी? एनटीए से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं चाहता हूँ एजेंसी बहुत अच्छा करे, सपोर्ट है मेरा, इसको लड़ाई नहीं कहेंगे, इसको क्रिटिसिज्म कहेंगे फ्रॉम अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि मैं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि वो इम्प्रूव करें। हम अभी भी उन्हीं से उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेटर एग्जाम कराएं, उन पे हमारा भविष्य हमारे बच्चों का डिपेंड है। शुक्रिया। साफ तौर से अलग पांडे की तरफ से सीधे तौर पर इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल कि एनटीए ने फिलहाल अपनी गलती मानी, भले ही ग्रेस मार्क रद्द करने की बात कही जा रही हो 1563 बच्चों का, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें नेट में हैं जो अभी विवादों में रहेगी, जिसका फिलहाल चर्चा 8 जुलाई को किया जाएगा। लेकिन साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की तरफ से 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क को रद्द करने की बात कही गई और 23 जून को दोबारा परीक्षा कराने की बात कही गई। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। तो आप सुन रहे थे कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं और वहां पर मौजूद जितने भी परीक्षार्थी से लेकर लोग हैं उनका क्या कहना था। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, जिन लोगों को ग्रेस मार्किंग मिली है अब उन्हें दोबारा से परीक्षा देनी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम सुनवाई की और फैसला भी लिया है, अब आगे कितने ऐसे परीक्षार्थी छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर के रहने वाले, जिन्हें दोबारा से एग्जाम देना होगा, क्या कोई ऐसी ग्रेस मार्किंग भी वहां पर नजर आई? जी देखिए, टोटल जो 1563 ऐसे छात्र हैं जिसको ग्रेस मार्क की जो बातें हैं वो सामने आई थी, तो वो ग्रेस मार्क हटा लिया है एनटीए ने। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हर राज्य में इसके जो छात्र छात्राएं हैं वो सैकड़ों होता है और ये एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। हालांकि किसी तरह से काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं लगी है और 8 जुलाई की अगली सुनवाई होगी और अगर जो छात्र हैं 1563 छात्र अगर वो परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो ग्रेस हटाने के बाद जो अंक बचता है वो उसे काउंट किया जाएगा। तो एक अच्छा फैसला किया जा सकता है। बात ये भी आई थी कि छात्र छात्राओं के डर को हटाने के लिए इस तरह से जो निर्णय है वो लिए जा रहे थे, आखिर इस तरह से बातों को क्यों छुपाया गया? और जब ये जानकारी आई तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो ये एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। लेकिन छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो परीक्षा से डरते हैं या भविष्य में कॉम्पिटिशन से डरते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर कदम इसे कहा जा सकता है। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उनके मेहनत के हिसाब से जिन्हें मार्क्स नहीं आए हैं उनके लिए फैसला
और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, कोर्ट के फैसले को विस्तार से बताइए, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन याचिकाएं दाखिल की गई थी। तीनों याचिकाओं में सबसे बड़ी बात कही गई वो ये थी कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें कथित गड़बड़ियां हुई हैं, लिहाजा जो पेपर लीक का आरोप लग रहा है ऐसे में परीक्षा को रद्द करवाया जाए, जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग पर तत्काल रोक लगाई जाए और एक एसआईटी का गठन किया जाए जो इस पूरे मामले की जांच करे। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई कि उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक की गई है, वो छात्रों के हित के लिए चिंतित हैं, लिहाजा उन 1563 छात्रों के जिनको ग्रेस मार्क मिला हुआ है उस ग्रेस मार्क के रिकॉर्ड को रद्द किया जा रहा है, यानी कि 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी जिसकी तारीख 23 जून है और 30 जून से पहले एनटीए को उस परिणाम को घोषित करना होगा। लेकिन अब इस मामले में विवाद यह है कि अगर 1563 छात्रों में अगर छात्र नहीं देना चाहते हैं परीक्षा तो उनके अंक जो हैं वो पुराने नंबर पर ही एड ऑन किए जाएंगे, यानी कि ग्रेस मार्क का अंक पत्र नहीं माना जाएगा। छात्रों को अगर लगता है कि उनके ग्रेस मार्क में या उनके अंकों में कमी है तो वो फिलहाल परीक्षा दे सकते हैं। अब इस मामले में तीन चार पेज फंस रहे हैं जिसको लेकर तमाम जो वकील हैं, तमाम जो छात्र हैं उनके मन में दुविधा है। उनका ये कहना है कि अगर इस पूरे मामले में परीक्षा दोबारा होती है तो क्या जो मेरिट सेटल किया जाएगा, यानी कि जो मेरिट बनाया जाएगा वो दोबारा बनेगा तो उसमें कितना नंबर उनको मिलता है या नहीं मिलता है, इस मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इस पर भी अभी कुछ नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है। शिक्षा मंत्री कुछ कह रहे हैं इस बीच, वो पहले सुना देते हैं, वापस से आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे। नीट, जेई और सीयूईटी, इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। शैलेंद्र भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नीट में ग्रेस मार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, उस पर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि जिन्हें भी ग्रेस मार्किंग आई है उन्हें वापस से एग्जाम देने पड़ेंगे, सुशील भी हमें जानकारी साझा कर रहे थे, भोपाल में भी कई ऐसे परीक्षार्थी है, कई ऐसे छात्र हैं जिनको परेशानी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी कि अगर 720 में से कोई भी एक जवाब गलत होगा तो 716 मिलना चाहिए, ना कि 718 या 719। अब इस मामले पर एक बड़ा फैसला आया है, कैसे भोपाल में लिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि राजधानी भोपाल में जब ये नतीजे आए थे उसके बाद जो है वो यहाँ छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था और इस नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग जो है वो की गई थी। और जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया था और 1563 जो बच्चे हैं जिनको ग्रेस मिला था उनके ग्रेस को रद्द कर दिया गया और उनको अब दोबारा से परीक्षा देनी होगी। मैं इस वक्त एमपी नगर में मौजूद हूँ और एमपी नगर वो इलाका है जहाँ सबसे अधिक कोचिंग क्लासेस है। मैं पूरी कोचिंग क्लासेस को दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ते और यही वो इलाका है जहां पर सबसे पहले जो है विरोध की शुरुआत हुई थी। यहां पर बच्चों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था जिसमें स्कूल जो कोचिंग सेंटर से उनके संचालक भी वहां पर मौजूद रहे थे और साफ तौर पर सीधे तौर पर ये मांग की गई थी कि जो नीट की परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो गलत तरीके से मार्किंग की गई है उसको पर पाबंदी लगनी चाहिए और नए सिरे से नीट की परीक्षा होनी चाहिए। ये मांग जो है वो लगातार की जा रही थी और अब जिस तरीके से जो बच्चे हैं, आप लोग का नीट के परीक्षार्थी है, नीट को लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से घोटाला हुआ, ग्रेस मार्किंग हटा दी गई है? सर, नीट का जो घोटाला हुआ है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एनटीए वालों को ये समझना चाहिए बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको जो पेपर लीक हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक महीने के अंदर इसको जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक पेपर को मिला के कुछ नहीं किया उसको, जबकि पेपर एक से दो दिन में उसका सार निकल आता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस मिला था उनको दोबारा से परीक्षा देनी होगी। सर, ये बहुत अच्छा अच्छी बात है, ये तो जिन्हें पेपर दिया उनके लिए फायदा है, बाकी जिनने
जिन्हें अच्छे से पेपर दिया है उनको तो अच्छा है, जिन वो दोबारा से मेहनत वो पेपर देंगे और उनके उतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जिनको ग्रेस नहीं मिला और जिनसे जिनकी रैंक पीछे गई है उन बच्चों के साथ तो गलत हुआ है कि जिनके 550-650 नंबर आने पर भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो बच्चे हैं वो यहाँ पर एक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो मार्किंग हुई है वो गलत थी और जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो अब बेहद ठीक है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि अभी इसमें और भी जांच होनी चाहिए, इस तरह की बात जो है वो भोपाल के छात्र कहते नजर आ रहे हैं। जी तो कुछ ऐसे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। सुशील, सवाल ये भी उठ रहे थे कि ये तो ट्रांसपेरेंट है कि एक भी गलत जवाब के माइनस मार्किंग में 4 मार्क्स आपके कटेंगे, लेकिन अगर आप वो 718 और 719 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं तो इसके पीछे की क्या वजह दी गई सुनवाई के दौरान? जी देखिए वही सवाल अलख पांडे जो फिलहाल physics.com के फाउंडर है उन्होंने भी उठाया था कि ग्रेस मार्क का क्या परसेप्शन है फिलहाल इस पूरी परीक्षा में जो अब सामने निकल के आया, और ये एनटीए ने कभी नहीं बताया था कि ग्रेस मार्क भी इस मामले इस पूरी परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अगर ग्रेस मार्क इस मामले में था तो उसका जिक्र फिलहाल नहीं किया गया और उस मामले में अब एनटीए ये कह रहा है कि ग्रेस मार्क हम हटा देंगे। तो यही जो तमाम चीजें हैं जिसको फिलहाल याचिकाकर्ताओं के द्वारा उठाया जा रहा है और अब एनटीए इन तमाम चीजों से पीछे हट रहा है और ये कह रहा है कि वो फिलहाल इन चीजों को हटा देंगे। बड़ा सवाल इस मामले में अगर हम समझें तो ये इस मामले में कहीं ना कहीं एनटीए ने पहली बार ये माना कि गलती तो हुई है और इस गलती को सुधारा ऐसे ही जा सकता है, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा लूप होल है जिसको फिलहाल एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र फिलहाल 8 जुलाई को जब फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तब किया जाएगा कि भाई हाँ। एक सेंटर पे तमाम छात्रों के एक ही अंक कैसे आ गए हाँ। परीक्षा के लिए और डिटेल्स मैं आपसे लूंगी। सुशील बने रहिए, धर्मेंद्र प्रधान कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो एनईपी के सारे फीचर है जो पिछले 4 साल से उसकी बहुत नीचे तक जाने की एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी बन चुकी है, स्टार्टिंग फ्रॉम बाल वाटिका टू रिसर्च फाउंडेशन, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए स्किल को फॉर्मल एजुकेशन के पार्ट बनाना, रूटेड और फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन बनाना। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे इंदौर से। मिथिलेश, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में नीट के पूरे मामले पर सुनवाई हुई, फैसला जो आया है, अब उससे क्या इंदौर के परीक्षार्थी, इंदौर के छात्र खुश हैं? बिल्कुल, उन्हीं से बात भी कर लेते हैं, उनके साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आज एक बड़ा दिन था और अहम फैसला भी आ चुका है, ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आदि जैन हूँ, मैडी मैथ कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ये बात सिर्फ 1563 बच्चों की नहीं है सर, क्योंकि जो रिजल्ट आया है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000 प्लस से रैंक जो है वो डिफर कर रही है, 20,000 प्लस से रैंक डिफर कर रही है। लाइक जो रैंक 650 पे 12,000 या 13,000 आ रही थी, अब वो 40,000 प्लस आ रही है। तो सर सिर्फ 1563 बच्चों का रीनीट लेने से जो अदर स्टूडेंट्स के साथ जो अभी अन्याय हुआ है वो सही नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले से हम तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मतलब उनका ग्रेस मार्क्स उनको दिए हैं तो वो उनके लिए अच्छा है या बुरा है, वो तो बुरा ही है क्योंकि उनका भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट अब जो भी हो ठीक है। बट जो दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स और रैंक जो नीचे जिस प्रकार से गई है, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन रुक रहा है क्योंकि वैसे ही लिमिटेड सीट्स हैं अपने MBBS में, तो अब और बच्चों का सिलेक्शन रुक रहा है तो उनके साथ ये बिल्कुल अन्याय है सर। रीनीट ही एक इसका ऑप्शन बचा था जिससे रैंक वापस जो 2023 तक जिस हिसाब का कॉम्पिटिशन होता था कि लाइक जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं सिर्फ वो सिलेक्टेड हो रहे हैं, तो आई थिंक रीनीट ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन था। सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट लेने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है एज सच, क्योंकि 1563 हमारी रैंक तो डिसाइड नहीं कर रही है, हमारी रैंक डिसाइड कर रही है वो 20,000 या 40,000 जिससे हमारी रैंक पीछे हो चुकी है वो, और जो भी मेनली 5 स्टेट्स का हमने अभी सुना है कि 5 to 6 स्टेट्स में मेनली जो रैंक उन्हीं की वजह से पीछे हो रही है,
तो उसका इम्पैक्ट एमपी में भी पड़ रहा है, क्योंकि मतलब अब हमने सुना था पेपर बिहार में या फिर हरियाणा में, तेलंगाना में, ऐसी जगह में लीक हुआ है, तो उन उधर की वजह से पूरे, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया कोटा में भी फर्क पड़ रहा है सर, हमारी AIR तो मेन उन्हीं की वजह से पीछे हो रही है, तो सर हमारा सिलेक्शन सिर्फ उनकी रीनीट ही हमारा सिलेक्शन अब करा सकता है सर। अब हम 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और पूरे तरीके से रीनीट की जो डिमांड है वो अब छात्र करते नजर आ रहे हैं। सुशील, आप सुन रहे होंगे कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनका कहना है कि सिर्फ ग्रेस मार्किंग पर फैसला लेने से काम नहीं चलेगा, हमारी रैंकिंग तो पीछे हो गई है अब। जी बिल्कुल, देखिए तमाम छात्र हैं जिनका यही ही कहना है कि जो फिलहाल ग्रेस मार्क को रद्द किया गया है वो इस पूरी समस्या का हल नहीं है। अभी इस पूरे मामले में फिर से फिलहाल मेरिट तैयार किया जाएगा, अंकों को डिसबैलेंस किया जाएगा, तो ऐसे में छात्र ये कह रहे हैं कि जिन छात्रों ने हाईकोर्ट में अप्रोच किया उस अप्रोच के बाद ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया, लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जो शायद किसी दूर गांव में बैठे हैं और वो परीक्षा दे दिए, उनको नहीं पता कि इस पूरे मामले में अभी फिलहाल सिचुएशन कैसी है क्या नहीं है, तो ऐसे में इस परिस्थिति को कैसे NTA संभालेगा, ये NTA के लिए एक बड़ा विवाद है और छात्रों के लिए भी ये बड़ी शंका है कि आखिर काउंसलिंग में डिले हुआ, NTA दोबारा परीक्षा कराएगा, फिर दोबारा नंबर को सर्कुलेट किया जाएगा, फिर उनको बैलेंस किया जाएगा और उस नंबर के बैलेंस के बाद मेरिट तैयार किया जाएगा, तो ऐसे में छात्र जाएं तो जाएं कहां। तो और वाकई में सुशील ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आखिर छात्र जाए तो जाए कहां, क्योंकि युगल ऐसे में तो एक साल पूरा ड्रॉप हो जाएगा अगर इसी तरह स्लो प्रोसेस होता रहा, इसीलिए बहुत जल्दी फैसला लेने की जरूरत है, ना केवल ग्रेस मार्किंग बल्कि और भी चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये बिल्कुल, देखिए छात्र हैं पूरी साल तैयारी करते हैं, कई छात्र ऐसे हैं दो दो साल से इस तैयारी में लगे हुए हैं और उनके रैंक के साथ साथ उनको जो फिजिकली रूप से फिर से परीक्षा देने जाना होगा जहां पर परीक्षाएं कंडक्ट होंगी, रैंक पीछे होगा, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। वो छात्र जो लगातार परीक्षा की तैयारी करते हैं उनका मनोबल कम होता है, हालांकि ये कहा गया है कि उनके डर को खत्म करने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, लेकिन छात्रों के भविष्य पर इसका जो बेवजह है वो असर पड़ेगा। एक लापरवाही या एक गलती के खामियाजा ऐसे छात्र भुगतेंगे जिनको जो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। तो कुल मिलाकर पूरी प्रोसेस है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, ये सोची समझी कोई किसी तरह की साजिश तो नहीं थी कि किसी पर्टिकुलर किसी को फायदा देने का तो ये जो तरीका था वो नहीं था, सवाल है, जांच होंगे ये अलग बात है, लेकिन छात्र छात्राओं को बेवजह की परेशानी है। बिल्कुल, ये बेवजह की ही परेशानी है। और शैलेंद्र, हमने देखा कि कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर दी नीट को क्लियर करने के लिए, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे छात्र जिन्हें ग्रेस मार्किंग की वजह से नंबर वन रैंकिंग मिली, तो ऐसे में उनकी रैंकिंग थोड़ी पीछे हो गई, उसके आधार पर उन्हें वैसे कॉलेजेस नहीं मिल पाए, तो एक गलती की वजह से यहां पर हजारों खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है तरीके से। और AIR के आधार पर ही पूरे देश भर में मेडिकल कॉलेज और दूसरे कॉलेज उनको अलॉट होते हैं, और यदि ऐसे में यदि ग्रेस मार्किंग मिल जाने से उनकी रैंकिंग पिछड़ गई है तो वो जो लगातार मेहनत कर रहे थे, कई ऐसे छात्र हैं जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन उसकी जो रैंक आनी चाहिए थी उतनी रैंक नहीं आई, और ये कहीं ना कहीं NTA की गलती से माना जा सकता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि जिस तरीके से जो पूरा गड़बड़ी सामने आई है इससे विश्वसनीयता जो होते है संस्थान की उस पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम में शामिल होते हैं और यदि इस तरह की गड़बड़ियां आती हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो हतोत्साहित भी हो जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे हैं जो रैंक से बाहर रहते हैं तो ऐसे में कई गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में अब जो NTA को पूरे इस मामले पर अब संज्ञान जिस तरीके से उन्होंने अभी हालांकि विश्वसनीयता की एक अहम बात आपने की है शैलेंद्र। मिथिलेश, आप वहां पर बच्चों के साथ में मौजूद हैं, वो तमाम छात्र मौजूद हैं जो नीट को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, तैयारी भी उसकी कर रहे हैं, उनसे पूछिए अब कोर्ट के फैसले को वो कैसे देखते हैं, क्या ग्रेस मार्किंग पर जो फैसला लिया गया उससे वो संतुष्ट हैं? देखिए नीट के फैसलों को लेकर जो फैकल्टी है जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी कुछ इसमें बोलना चाह रहे थे, बताइए। हाँ जी, ये जो अभी नीट ने क्लेरिफिकेशन दिया है क्लियरली ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम मुद्दे समझें, नो डाउट जो 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं ये बहुत बड़ा मुद्दा था,
उस पर उन्होंने री एग्ज़ाम का जो टेक लिया है वो सराहनीय है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल 1563 बच्चे ही मुद्दे नहीं थे। पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि लास्ट ईयर की अगर हम रैंक देखें तो 600 मार्क्स के ऊपर 26,000 बच्चे थे, इस बार 600 मार्क्स के ऊपर करीब करीब 76,000 बच्चे हैं, मतलब तीन गुना हो गए। तीन गुना बच्चे हो जाना एक पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर, जहाँ पर ये खुद नीट बोल रहा है, एनटीए वाले बोल रहे हैं कि अगर हम एवरेज मार्क्स देखें बच्चों के तो उसमें बहुत मामूली चेंज है। एवरेज मार्क्स में हम देख रहे हैं कि वो लोअर रेंज पे आ रहे हैं, 300 के आसपास कुछ उन्होंने स्कोर दिया है, वहाँ पर मामूली चेंज है। नो डाउट मामूली चेंज है, क्योंकि वहाँ पर चीटिंग हुई नहीं है, लीक हुआ ही नहीं है। जो लीक हुआ है उसका असर कहाँ पर आया है, 600 प्लस मार्क्स पे। वहाँ पर एनटीए को डेटा शेयर करना चाहिए कि 600 के ऊपर पहले 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे हो कैसे गए। उन लोगों को डेटा शेयर करना चाहिए, उन लोगों को ये शेयर करना चाहिए कि ये बच्चे किस सेंटर पे थे, इनके रोल नंबर्स क्या हैं, और इसमें पूरी तरीके से उन्हें ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा ये मुद्दा है कि जो पेपर लीक की खबरें आ रही हैं अलग अलग जगह से, जो ये सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह पुलिस ने मांगा है कि आप एनटीए जो है वो पेपर उन्हें दे, ताकि जो पेपर लीक हुआ है उसको वेरीफाई किया जा सके, तो एनटीए उस पर कुछ भी कहने से बच रहा है। तो इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कमेटी बन रही है वो कमेटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो पाए और बच्चों के साथ न्याय हो पाए। केवल 1500 लोगों की री नीट करने से जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है और दिख रहा है वो ठीक होने वाला नहीं है। एनटीए की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी ठीक है, बने रहिए मिथिलेश, आप दोबारा आएंगे, बातचीत करते रहिए। सुशील, आप सुन रहे होंगे, एक कोचिंग टीचर जो नीट की तैयारी बच्चों को कराते हैं, काफी जेन्युइन क्वेश्चन है उनका कि जो बच्चे ग्रेस मार्किंग लाए हैं वो तो विषय है ही, और उनकी वजह से कहीं ना कहीं रैंकिंग में बाकी काबिल बच्चे पीछे हो रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि जो पिछले बार नीट एग्जाम में 26,000 बच्चों ने 600 के ऊपर रैंक मार्क्स हासिल किए थे, अब वो 76,000 के करीब बच्चों ने हासिल किए हैं उतने मार्क्स, ये बड़ा जांच का विषय है। जी देखिए, इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। सीधे तौर पर अगर आप बात समझें तो केवल 1563 बच्चे, वो बच्चे जो हाई कोर्ट गए थे, उन्हीं को रिलीफ देने की बात एनटीए ने कहा है। बाकी जो और छात्र हैं उनके मामले में एनटीए ने कुछ नहीं बोला है, जिसकी बात बार बार वकील कह रहे हैं कि अभी भी इस मामले में कुछ ऐसे लूप होल हैं जिनकी चर्चा कोर्ट के समक्ष होनी जरूरी है, और इसीलिए 8 जुलाई को दोबारा जब सुनवाई की जाएगी तब इस बात की चर्चा की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं छात्रों को ही राहत की बात एनटीए कर रहा है जो हाई कोर्ट्स गए हैं। 1563 छात्रों की अगर बात करें तो अगर इसके एवरेज में देखें तो लगभग 86,000 छात्र ऐसे हैं जिनको इस मामले में अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला, जो हाई कोर्ट नहीं गए उनके मामले में चर्चा नहीं हो रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि जो रैंकिंग बनेगी या जो काउंसलिंग होगा उसका आधार क्या होगा, और इस पूरे मुद्दे पर अब फिलहाल जब 8 जुलाई को सुनवाई होगी तभी तस्वीर साफ होगी। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अपनी तरफ से दलीलें जो रखनी थी वो रख दी, लेकिन एनटीए ने ये जरूर माना कि गड़बड़ियां हुई हैं और इन पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब इसके जांच के दायरे कितने बड़े होते हैं, इस जांच के दायरे में कौन लोग शामिल होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात एकदम 100% सत्य है कि छात्रों का भविष्य नीट के इस एग्जाम के मामले में अधर में ही लटकता हुआ नजर आ रहा है। 1563 बच्चों के लिए तो कोर्ट में सुनवाई हो गई वाकई में, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो और भी ज्यादा मेहनत किए लेकिन वो अभी भी पीछे चल रहे हैं। शैलेंद्र, ये चिंता का विषय बना हुआ है, 8 जुलाई को उम्मीद है एक। शैलेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मिथिलेश क्या आपको आवाज आ रही है? मिथिलेश जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मिथिलेश, 1563 बच्चों के लिए तो चलिए फैसला आ गया, लेकिन उन बच्चों को क्या होगा जो इतनी मेहनत करने के बाद भी अभी भी पीछे हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कुछ देर पहले वो बच्चे भी हमारे साथ ही, और वो इस बात को रख भी रहे थे कि 1563 बच्चों की ये बात नहीं है, ये सभी बच्चों की बात है जो नीट में अपियर हुए थे, जिन्होंने ये परीक्षा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एनटीए सवालों के कटघरे में है तो बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? एक बड़ी एजेंसी है, एक बड़ा एग्जाम होता है नीट, और नीट को लेकर इस बार काफी बड़ा विवाद देखने को मिला कि कैसे गलतियां हुई हैं, ये सबसे बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा सवाल भी है।